अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 30 सितंबर थर्सडे का दिन है और मैं आज आपको कटाई वाले के पास लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मेरे मतलब कस्टमर की कमेंट्स वगैरह आते थे, बोलते थे कि हमें कोई कटाई वाले दिखाएं आप किस तरीके से फ़िश कट करवाते हैं, कहाँ पे फ़िश कट होती है। तो आज मैं लेकर आया हूँ व्यूअर्स, ये सुरमई फ़िश है, सुरमई किंग फ़िश, जो कि मछलियों का बादशाह कहलाती है, किंग फ़िश। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि मैं सुरमई का जो है स्टेक बनवा रहा हूँ, इसके स्टेक बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन बनवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये तकरीबन ये 850 kg का दाना था, मतलब कि 8.5 kg का दाना था। इसका मैंने आधे जो है मैंने स्टेक बनवाया और आधे जो है मैंने इसकी बोनलेस बनवाई है। इसका जो पीछे का दुम का जो हिस्सा था उस हिस्से का मैंने इसकी बोनलेस पीसेस करवाया, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें स्टेक, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन और मतलब बहुत ही उम्दा फंटास्टिक, बहुत ही उम्दा किस्म के स्टेक हैं ये, और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है खाने में, मतलब बहुत लजीज फिश होती है ये सुरमई फिश। ये देखें सर, ये गिसर, इसके साथ गिसर रखी है, क्योंकि आज मेरे पास आउट ऑफ सिटी कराची से बाहर का ऑर्डर था जिसमें सुरमई और गिसर लाहौर का ऑर्डर है। इसके अलावा फिर मेरे पास हीरा फिश है, हीरा मछली है, ये आप थैली में पैकेट में जो रखी है आप देख भी सकते हैं, ये हीरा मछली है। अच्छा, ये मेरे पास मुल्तान का ऑर्डर है, इसके साथ मेरे पास किंग प्रॉन्स है, किंग साइज प्रॉन्स, मतलब सब जंबो प्रॉन्स झींगे, वो मेरे पास मुल्तान का ऑर्डर है। ये आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी सफाई से और कितनी नीट एंड क्लीन हम लोग यहाँ पे कटिंग करवाते हैं। अरुण नहीं मिला मार्केट में, ये हमारे अपने कटिंग वाले होते हैं, मतलब हमारी डील होती है, हमारे परमानेंट मतलब कटिंग वाले हैं। ये देख सकते हैं ये गिसर है, इसके बाद गिसर की भी कटिंग होगी इंशाल्लाह, अगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज ना हुई तो मैं आपको गिसर की भी कटिंग दिखाऊंगा। और भी बस एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे हाथ पे किस तरीके से मतलब ब्लडिंग हो गई है, जब मैंने फ़िश को उठाया किस तरीके से मेरे हाथ पे ब्लड आया, आप ये देख सकते हैं कि इतना फ्रेश है। ये डोर का जो मछली होती है ना, डोर की मछली जो सेम डेक कैच होती है, ये वो मछली है, क्योंकि अभी बस हम लोग जो ऑर्डर लेते हैं और फिर हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना कस्टमर का, हमारी कोशिश ये होती है कि हम मतलब कस्टमर से फीडबैक लें तो कस्टमर का फीडबैक अच्छा है, क्योंकि हम पुरानी बासी मछलियों पे काम नहीं करते। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए कितनी इसमें ब्लडिंग है मछली में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश पीस है मछली का। ये देख सकते हैं आप इसकी ब्लडिंग, इसका सर अलग करें तो इसके सर में कितनी ब्लडिंग है। आमतौर पर आपने मछली कटते हुए देखी हो कहीं तो आपने देखा होगा कि उसमें ब्लडिंग नहीं होती, तो इसका मतलब वो पुरानी मछली होती है, मतलब कि तकरीबन वो 20 से 25 दिन पुरानी मछली होती है, क्योंकि मछली जितनी पुरानी होती है व्यूअर्स उसका जो ब्लड है ना वो खुश्क हो होना शुरू हो जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है, उसमें फिर ब्लडिंग नहीं होती। और इसमें माशाल्लाह से इतनी ब्लडिंग है क्योंकि बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मछली है, सेम डे कैच है ये, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना फिश का तो हम सेम डे कैच का फिश का ही काम करते हैं। ठीक है, बस इजाज़त है मुझे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम।